शाह ड्रॉप कर चुके हैं अपनी फैक्ट्री पे, अपने लोकेशन पे उनको ड्रॉप ले चुके हैं। टीम नंबर थ्री के अनिक अमनदोर, आर के विमल पीक के पास उतरे हैं। टीम नंबर फोर के अंकित, विकास भाई, अघोरी एवान और दसानंद अभी भी अपने प्ले ड्रॉप लोकेशन की ओर जाते हैं, हंगार साइड। टीम नंबर फाइव के हैं सुहेल, ये आज टीम नंबर फाइव के थ्री मैन स्क्वाड है, चूँकि दो बंदों का अच्छे से नेम तो लिखा हुआ आ नहीं रहा है, बट सुहेल इन्होंने अपना ड्रॉप लोकेशन रखा है बीमा सतीश ट्रिप। टीम नंबर सिक्स के वन मैन डाउन हो चुके हैं, जो कि हैं विशाल। टीम नंबर सिक्स के सराहम, डार्क संदीप और प्रो गना उतरे हैं रिवर साइड पे। टीम नंबर सेवन के आर के सेन, टीम नंबर सेवन के फाइव हो चुकी है, इन्होंने वन मैन डाउन कर दिया किस एक टीम का, जो कि शायद टीम नंबर एट की फाइट हो चुकी है। टीम नंबर एट के टू मैन डाउन हो चुके हैं सोमेन और बिमल, यहाँ आर के बिमल भाई का अच्छा गेम प्ले और एच के लेजेंड ने कवर फायर दिया। टीम नंबर एट ऑलरेडी हो चुकी है, अली फाइट इन्होंने लिया और टीम नंबर सेवन ने हरा ही दिया एक तरह से, और कोई अच्छा गेम प्ले था टीम नंबर एट के द्वारा, डिफीट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास गन नहीं थी। टीम नंबर नाइन को देख लेते हैं, जो कि पिक के पास उतरी, इनकी रैली फाइट देखने को मिल सकती है क्या, क्योंकि यहाँ पे एक और टीम उतरी थी। टीम नंबर नाइन पे ओके लौंडा, ए के अभी, अंकित एंड और मिस्टर जहर है। अंकित भाई अभी को देखा जाए तो मिला नहीं दिखा रहे हैं पूरे कि कोई भी आया। टीम नंबर टेन पे यश के शर्मा, के तिवारी और नेगी बॉस है, जो कि ऑब्जर्वेटरी पे उतरे हुए अपनी टीम के साथ। ये टीम भी अच्छा है कि पहले लूट के ले जा रही है ताकि उनको लास्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी टीम के साथ फाइट लेने में। टीम नंबर 11 के केल्सी, जुवेल, एसजी गेमिंग और आर सेफ उतरे हुए फैक्ट्री पे। यहाँ पे भी एक और टीम थी तो इनकी भी फाइट हो सकती है, अभी काफ़ी अर्ली फाइट, जितनी भी टीम ले रही तो एक नए टीम को लॉस होगा अपने प्लेयर्स का। टीम नंबर 12 को देख, टीम नंबर 3 के अनेक अभी वन मैन इनके डाउन हो चुके हैं एफबी, क्योंकि पिक के पास है। यहाँ पे एक और टीम थी तो इनकी फाइट हो गई शायद दूसरी टीम के साथ। नंबर फोर अभी भी फाइट नहीं ले रही है, ये अभी भी लूट कर रही है अंकित की, अंकित को हंस काफ़ी कुछ लग रहा है आज के गेम पे वो इमोट्स करते हुए। टीम नंबर सिक्स वन प्लेयर इनका डाउन हो चुका है, पर ये अभी लूट करने के लिए जा रहे हैं लोकेशन चेंज कर करके। टीम नंबर सेवन के सेन भी जोन के अंदर कर रहे हैं टीम नंबर सेवन। टीम नंबर एट को अर्ली एग्जिट लेना पड़ा क्योंकि उनके पास एक तो गन नहीं थी, प्लस उनकी इतनी जल्दी फाइट हुई कि उन्हें डिफीट करने का मौका ही नहीं मिला दूसरी टीम को। कोई ना, यही होता है, अगर आप पहले लूट के लिए जाओ तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप लास्ट में फाइट लोगे तो आपको एक तो प्लेसमेंट कार्ड मिलेगा, प्लस आपके पास लूट रहेगी तो आप डिफीट कर सकते हो दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट। टीम नंबर टेन अभी जोन पे एंटर कर रही है ग्रेवयार्ड की तरफ से। टीम नंबर 11 क्लॉक टावर पे है अभी, जो कि है ज्वेल, एस गेमिंग, आर से की टीम। टीम नंबर 12 अभी जोन पे एंटर करेगी, जो कि केप टाउन पे है अभी, एस पे राजदाक्ष और आई। एक दिन के गेम प्ले पे ये टीम सेकंड पोजीशन पे आई थी, तो आज देखना है इस टीम का कैसा गेम प्ले होता है, डार्क स्पिरिट की टीम, जो कि अर्ली फाइट नहीं लेते, उन्हें पता है कि अर्ली फाइट लेंगे तो गन पावर अगर अच्छी नहीं होगी तो इन्हें ही लॉस होगा वुमेंस का।
टीम नंबर 3 के भी वन मैन डाउन हो चुके हैं, इसमें बचे हैं अनिक, अमन डोर और आर के बिम्बर। टीम नंबर 1 पे इरफान, मुझू भाई, वे लकी और एक के अभी। टीम नंबर 1 पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि एक के अभी शायद न्यू अभी इस टीम पे ज्वाइन हुए हैं। आधे प्लेयर कैसा प्रदर्शन करते हुए हमें देखना है। टीम नंबर 2 के भी 3 मैन डाउन हो चुके हैं सर, इनकी भी फाइट हो चुकी है किसी टीम के साथ। इस टीम में सिर्फ अमन शाह बचे हुए हैं क्योंकि वन मैन स्क्वाड है और इस टीम के पास अभी भी 0 किल्स है, तो अमन शाह को फॉलो बैक करना पड़ेगा ताकि ये फाइट में अगर इनके ऊपर पूरी स्क्वाड चार्जिंग करती है तो इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अंकित ने किसी टीम में को किसी अपोनेंट टीम के एक बंदे को डाउन किया। गाड़ी फंसा के रखी इन्होंने पूरी। टीम नंबर 10 अभी जोन पे है। टीम नंबर 11 अभी भी क्लॉक टावर पे ही है, ये शायद होल्ड करने के लिए यहाँ पे रुकी हुई है। एक कोई टीम आया तो ये चार्ज कर सके। टीम नंबर 12 को देखा जाए तो वो अभी जोन पे फंस चुकी है, जोन एंटर कर रही है और इनसे जोन काफ़ी दूर है तो इन्हें जल्दी जोन पे एंटर करना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई भी टीम जोन का एच पकड़ ले तो इन्हें प्रॉब्लम होगी जोन पे एंटर करने की। अगर इनके पास यूटिलिटीज़ नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। SB राज के पास स्कैरल और थॉमसन जो इनका प्रॉपर डेली की गन्स हैं जो ये हमेशा यूज़ करते हैं। NM यश को देख लेते हैं तो ये भी अपने MP40 के साथ आगे बढ़ते हुए। आयशु भी आगे जा रही हैं। नंबर 10 अभी काफ़ी अच्छे गेम अच्छे उस पर दिख रहे हैं। आके शर्मा भाई की अपने मोड दिखाते हुए अच्छे आज काफ़ी खुश लग रही टीम 10 क्योंकि उन्हें पता है कि आज मैं डिफीट कर सकती हूँ। नंबर 10 के यश जो कि आगे बढ़ रहे हैं अभी अपनी टीम के साथ। एक अतुल इस्टिवा में पूरी टीम आसपास ही है। टीम नंबर 9 को देख लेते हैं। एक अंकित, इन्होंने अपने चारों तरफ कवर बना के रखा हुआ है, शायद इनके पास कोई टीम है तभी आप एक नंबर 9 एक बंदा स्टॉप किया लिखना डाउन कर सकते कि नहीं। मिस्टर जाहिर ने देखा तो है बट वो फॉल बैक करेंगे क्योंकि उनके टीममेट्स बहुत ही दूर है, काफ़ी दूर है तो वो शायद ही फाइट ले। यहाँ पे नंबर 7 के ब्लैक कोबरा, NHK लेजेंड और फेन पुचिनो के पास है। अभी ये भी टीम जोन के आउटसाइड पे, तो ये जोन पे एंटर करेंगे अभी क्योंकि लास्ट टू जोन एंटर करना इन्हें लॉस हो सकता है टीम का। तो भाई जोन के अंदर से लोगों तो आपको हेल्प देने के लिए पहले से ही मिलेगी प्लस आपको प्रॉफिट भी मिलेगा जोन के बाहर से। टीम नंबर 6 जोन पे एंटर कर रही है टीम, इनके सामने एक टीम यहाँ पे सारा एक टीम को बैलेंस से जुड़ा है तो मैं डाउन नहीं कर पाया। इसमें ये टीम कैसे निकालती है इनके सामने पर टीम नंबर 6 है। हाँ टीम नंबर 6 है, टीम नंबर 8 के वन मैन डाउन है, पूरे जगह डाउन हो चुके हैं पूरे बंदे को काफ़ी डैमेज था होगा और यहाँ पर टीम नंबर 6 पूरी एलिमिनेट होती है। यहाँ पर टीम नंबर 7 ने काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा रहा है। अंकित की टीम ब्लॉक टावर पे आ चुकी है। विकास भाई, दसानंद, अभूरी एवन को एलरी एग्जिट लेना पड़ा क्योंकि शायद उनके पास गन नहीं थी और वो फिनिश हो चुके हैं पूरे। इन्होंने वन मैन स्क्वाड किया है शायद सामने दसानंद।
तीन नंबर टू के सिर्फ अमन शाह बचे हैं जो कि अभी भी जोन के एज पे बैठे हुए हैं। इस टीम के पास वन एक किल तो आ चुकी है जो कि अमन शाह के पास ही है। वन ने कहा शायद अपोनेंट टीम के बंदे को स्पॉट किया ही नहीं। एक के अभी डाउन हो चुके हैं, सामने की टीम भी फॉरवर्ड नहीं कर रही, वो भी चार्जिंग करने लगा था क्योंकि पता है उनकी किलर मैन डाउन हो चुका, पूरा फिनिश भी कर दिया उन्होंने। वहाँ पे लकी कैसे टीम को डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं एक मैन, अगर डैमेज दे भी रहे थे सब डैमेज मिला सामने वाली टीम को। उनके सामने एक सेकेंड देखना पड़ेगा पॉइंट से टीम में। तो इनके सामने टीम नंबर 9 है, उनके भी फॉल बैक करेगी टीम क्योंकि इनका एक टीम में डाउन हो चुका है ओपी लॉन नगर के। टीम नंबर 11 के RSF भी बच्चे हैं जो कि अभी भी जोन पे ही बैठे हुए हैं। प्लेसमेंट पॉइंट के लिए अगर आप अर्ली एग्जिट ले ली इनकी टीम तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये जोन का डैमेज ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जोन का डैमेज है, जोन पे एंटर नहीं करेंगे तो इनकी यहीं पे डेथ हो सकती है। यहाँ पे टीम नंबर 11 के RSF भी डेथ हो चुके हैं जोन के द्वारा। शायद उनका AFK हो गया था, उनका नेट नहीं चल रहा होगा, नेट इशू होगा इसलिए वो जोन के पे एंटर नहीं करना, नहीं तो कोई भी जोन का डैमेज लेना नहीं पसंद करेगा। टीम नंबर 9 यहाँ पे भीमा शक्ति के ऊपर है मिल्क के पास, एक के अभी दिख रहे हैं अंकित मिस्टर जहर। यहाँ पे उन्होंने लैंड माइंस लगा कर रखा था कि कोई भी टीम आए तो एक बार फंसे तो जाए। मिस्टर जहर उनके क्लोजिंग करेंगे, टीम मेट्स हैं जोन के। टीम नंबर 7 क्या ही गन का यूज़ किया है NSK लेजेंड ने, वन मैन डाउन कर दिया पूरा। ब्लैक कोबरा इनकी टीम में इतना सेम करते हैं। टीम नंबर 7 अभी जोन पे एंटर करेगी क्योंकि ये टीम भी जोन के आउटसाइड है। यहाँ पे टीम नंबर 5 भी पूरी डेथ हो चुकी है और टीम नंबर 4 के सिर्फ दशानंद बचे हुए हैं। अंकित भी डेथ हो चुके हैं, विकास भाई भी डेथ हो चुके हैं, अघोरी अहवान भी डेथ हो चुके हैं। तो सिर्फ यहाँ पे दशानंद के पास 1 किल है और अंकित के पास 2 किल है, टोटल टीम के पास 3 किल है। दशानंद अभी सर्वाइव कर रहे हैं और ये चाहेंगे कि जोन पे एंटर करें क्योंकि जोन अब काफ़ी डैमेज देगा टीम को। और टीम नंबर 2 के अमन शाह घर होल्ड करके बैठे हुए हैं क्योंकि वह अपनी टीम के वन मैन स्क्वाड बचे हुए हैं और इनके ऊपर अगर पूरी टीम चार्जिंग करती तो इन्हें थोड़ा लॉस होगा, प्लस इनको अर्ली एग्जिट लेना पड़ेगा, किस #5 के अंदर भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी अपन के पास सारी बहुत टीम जिंदा अभी है। तो ये चाहेंगे कि अपने दिमाग लगाए होंगे और देखते कैसा ये 1v4 करते हैं या फिर इनके ऊपर कितने टीम मेट्स चार्जिंग करते हैं दूसरी टीम के। टीम को देख लेते हैं, ये जोन का डैमेज ले रही है के शर्मा की 7, ये आयुष है और के तिवारी और नेगी बॉस है। इस टीम के पास टोटल 3 के शर्मा डेड फिनिश कर दिए गए हैं। इनके सामने बनना देखते कौन सी टीम का है, आयुष ने उसने पूरा फिनिश कर दिया। यहाँ पे SB राज और डार्क स्पिरिट दोनों फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ बचे हैं NM यश और आयुष। NM यश के पास है 1 किल और आयुष के पास भी अभी 0 किल। तो सामने एक टीम है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं कौन सी टीम है सामने इनकी, क्योंकि इन्हें जोन यही होता है अगर आप अर्ली जोन पे एंटर नहीं करोगे तो आपको लॉस हो सकते हैं। फिर दशानंद होल्ड कर रहे हैं टॉवर पे, हमेशा यहाँ कवर पे बैठे हुए अपने होल्ड करके। भी लकी ने अभी एक बंदा स्पॉट किया टॉवर पे, तो दशानंद को शायद इन्होंने स्पॉट किया तो वो फायर लेंगे इनके ऊपर क्योंकि वो दोनों स्पॉट उन्हें पता है कि उनके पास अभी प्रॉफिट है, वो नॉक होंगे तो रिवाइव नहीं सकता। या दशानंद को शॉट पड़ते हुए और ये वी लकी ने ही शॉट दिए इनके ऊपर, कन्फर्म ही था क्योंकि उन्होंने देखा था कि वहाँ पे वन मैन है, वो जोन पे एंटर करेगा ज़रूर। डैमेज देने की कोशिश वी लकी के द्वारा,
डे बाई नेट के बारे में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर, ताकि मैं डिपीट कर सकें उनको पूरा दर्शन है। अभी देखना कि कैसे वो जोन पे एंटर कर, जोन पे एंटर पे, बट उन्हें बचना पड़ेगा क्योंकि उनके चारों तरफ पर नहीं, उन्हें जोन एंटर करने नहीं दे गया। के तिवारी की टीम जिसने सेवन आयुष ने फिनिश कर दिया उनको। सेवन एस आयुष को एक और टीम में दिखाया अपोनेंट टीम का, तो देखते हैं उसमें फायर लेते हैं उसके ऊपर के नहीं। यहाँ पे आयुष होल्ड कर रही है टावर पे, और वो एक तो सेंटर ऑफ द जोन है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, बट इन्हें देखना है कैसे डिफीट करते हैं। दो प्लेयर्स का गेम जो ऊपर मोटी भाई की टीम है, इनके ऊपर चार्जिंग करने की पूरी कोशिश है। तो दो उनके ऊपर कैसे चार्जिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयुष अनमैन स्क्वाड बची हुई है, एन एच के लेजेंड की टीम अभी जोन पे उनके आउटसाइड पे है, जो कि टीम एंटर करने की पूरी कोशिश पे है। इसके भी दो टीम मेट बचे हुए हैं, इनको एन एच के लेजेंड को थोड़ा डैमेज मिला अभी किसी टीम से, तो ये चाहेंगे कि ही करके आगे बढ़े उनके पीछे। ब्लैक हो गया, यहाँ पे फाइट ले रहे हैं कारण इनके एक दोबारा तो बिल मुझे भाई की टीम ने स्पॉट किया है एनएच के लेजेंड की टीम को, क्लोजिंग कर रहे हैं, चार्ज करने की पूरी कोशिश है। मजू लकी ड्रेनेज के फंस चुके हैं, और यहाँ पे मुझे भाई की टीम फिनिश होती है पूरी। एनएच के लेजेंड की टीम काफ़ी अच्छा खेले, और यहाँ पे सिर्फ सेवन एच आयुष बचे हुए हैं, और टीम नंबर 12 के आई सी जो कि सेंटर ऑफ द जोन। तो यहाँ पे टीम नंबर 12, टीम नंबर 10 और टीम नंबर 7 के प्लेयर्स बचे हुए हैं, तो ये फाइव के अंदर आ चुके हैं पूरे टीम में। देखना आई सी नहीं, इन्हें भी पूरा फिनिश कर दिया गया मेरे के द्वारा, या एन एच के लेजेंड की टीम विन करती हुई टोटल 11 के साथ। ब्लैक कोबरा 3 किल्स हैं एंड इसके लिए 7 किल्स हैं, टोटल 7 के 11 किल, काफ़ी अच्छा गेम प्ले था टीम नंबर 7 के द्वारा, और इन्होंने अच्छा डिफेंड भी किया। तो गाइस कल मिलते हैं।